हे गाइस, हेलो एवरीवन। आप लोग अब बुशरा के साथ 27 मई 2021 का करंट अफेयर सुनेंगे और दो काम अपने बेनिफिट के लिए ज़रूर कीजिए। एक, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब, और दूसरा, हर एक को कंप्लीट वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट मिले। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे यकीन है कि मेरी बात वो लोग ज़रूर मानेंगे जो अपने फ़ायदे के लिए और सबके फ़ायदे के लिए सोचते हैं। वो वीडियो को अच्छे ध्यान से देखेंगे भी, और साथ ही इस कंटेंट को जितनी मेहनत से बनाया जाता है, इसकी प्रोग्रेस के लिए जो उचित काम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं 27 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बैसाख दिवस कब मनाया गया है? बैसाख दिवस है ये, तो ये 26 मई को मनाया गया है। जी हाँ, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा को ही ये मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 26 मई को, क्योंकि गौतम बुद्ध या आप कह सकते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान अर्जित हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए ये बुद्ध पूर्णिमा को ही बैसाख दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केरल विधानसभा का नया विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो एमबी राजेश केरल लेजिस्लेचर के नए प्रेसिडेंट बने हैं, यानी केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं एमबी राजेश। बात केरल की हुई है तो केरल की बात करें, तिरुवनंतपुरम है कैपिटल, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर। अब यूँ बात कर लेते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान ने एक शुरू की थी वन स्कूल वन आईएएस योजना, और एक चल रही है परिवर्तनम योजना, ये फिशर्समैन के लिए, ठीक है। तो फिशरमैन के लिए चल रही है कौन सी? परिवर्तनम योजना, दो योजनाएं चल रही है। यहाँ पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान आया था कोरोना वायरस के लिए, कर्मी वोट रोबोट लॉन्च किए गए थे कोविड-19 पेशेंट को सर्विस देने के लिए। रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल शुरू की गई थी, आयुरक्षा क्लिनिक शुरू किए गए थे, और के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। बीपीएल जो बीपीएल पर्स ये हैं पीपल हैं उनके, यानी ये गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनको मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए। प्रदान का विलोम क्या होता है? आदान, ठीक है, तो ये प्रदान करने के लिए। देखिए त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। एक बिसु, ये नववर्ष उत्सव है केरला का। शबरीमाला मंदिर उत्सव, त्रिशूपुरम, थैयम और ओढ़म, ये पांच फेस्टिवल मैंने बताए, पांचों को याद रखेंगे। कुटुंबश्री होटल खोले गए थे सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए, और अनाई मुडी शोला, मध्य केक टक शोला, पम्बडम शोला और एरबीकुलम शोला, ये नेशनल पार्क हैं। पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है और साइलेंट वैली भी यहीं पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेल मंत्रालय ने कितने राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया गेम्स के केंद्र बनाए जाएंगे, और ये खेल मंत्रालय ने घोषणा की है। जी हाँ, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दोबारा सुन लीजिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर, 5 हो गए, और गोवा, कर्नाटका। 7 राज्यों में खेल मंत्रालय ने 1.30 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल अमाउंट अलाउ किया है, जिससे कि इनमें 143 खेलो इंडिया केंद्र बनाए जा सकें। हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो खेलो इंडिया
ये सॉरी खेल मंत्री हैं, जो हमारे खेल मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट अफेयर्स को जो हैंडल कर रहे हैं वो कौन हैं, तो किरण रिजिजू जी, किरण रिजिजू जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अंकुर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है अंकुर योजना। इसका है कि जो मानसून के भीतर यानी मानसून के दरमियान जो पेड़ लगाएंगे, जो वृक्ष अर्पण करेंगे, उन्हें वृक्ष अर्पण करने के उपलक्ष में जो सम्मान दिया जाएगा उसी के लिए है ये अंकुर योजना। यानी उन्हें एक ऑनर से देखा जाएगा, एक ऑनर दिया जाएगा उन लोगों को जो मानसून, इस मानसून के समय में या मानसून पीरियड के भीतर वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाएंगे, यही अंकुर योजना है। अब एमपी की बात है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और शिवराज सिंह चौहान की मैं जैसे ही बात करूं तो शिवराजपुर बीच को भी अपने माइंड में रखिए, क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, यूनेस्को ने दिया था, और ये गुजरात के द्वारका में है। और जब भी मैं शिवराज सिंह चौहान जो ये एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं इनकी जब ये बात करूं तो एक तो यही बात ध्यान में रखेंगे जो अभी बताई, दूसरी जब ये बने थे दोबारा कमलनाथ के बाद तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संभल योजना की भी इन्होंने दोबारा शुरुआत की थी। बात करते हैं आनंदीबेन पटेल की, सबसे पहले यूपी से पहले ही, वैसे ये एमपी की ही थी लेकिन जब यूपी की बनी तो एमपी को लालजी टंडन संभाल रहे थे। लालजी टंडन की तबीयत ख़राब हुई और उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जो ये यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, तभी से ये एमपी को भी हैंडल कर रही हैं। भोपाल यहाँ की फेमस, मतलब भोपाल का भोजताल यहाँ पर बहुत फेमस है, और जबकि कैपिटल भी है एमपी की भोपाल। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय ये नेशनल पार्क हैं। खेलो वो रोको टोको अभियान, कौन सा रोको टोको अभियान, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, दीदी वाहन सेवा, संकल्प योजना, ये सब मैंने किस किस के लिए हैं सब बताया, जिसमें संकल्प योजना बुज़ुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी, और दीदी वाहन सेवा ये झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए उनको व्हीकल प्रोवाइड करवाने के लिए शुरू हुई थी, सब कुछ बताया मैंने। इंतज़ार आपका टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, किल कोरोना अभियान यानी ऑपरेशन, और इसके अलावा टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल, प्रवासी श्रमिक आयोग, चरण पादुका पहल, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, और रोज़गार सेतु योजना, श्रम सिद्धि योजना, ये सारे एमपी के फैक्ट्स हैं। ये सब जहाँ योजना बोला है जो योजना वो योजना है, जहाँ कमीशन बोला है या आयोग बोला है वो कमीशन है, जहाँ अभियान बोला है वो अभियान यानी ऑपरेशन है, ठीक है, याद रखना है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर अभी रखा जाएगा, या ऐसे भी क्वेश्चन ले सकते हैं, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तन करके या बदल के, जो भी कहना है आपको, वो किसके नाम पर रखा जा रहा है, तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम अब इसका नाम बदल कर रखा जा रहा है बलवीर सिंह के नाम पर, किसके, बलवीर सिंह के नाम पर, तो आप ये याद रखेंगे, भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए बलवीर सिंह ट्रिपल ओलंपियन मेडल विनर हैं यानी विजेता हैं, 3 बार ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता है, तो ट्रिपल ओलंपियन मेडल विजेता हैं ये, विनर हैं। और बलवीर सिंह के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना यानी स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है, जो पंजाब के हॉकी खिलाड़ी हैं, मतलब जो भी हॉकी के
हॉकी पंजाब का जो हॉकी अपना राज्य का जो खुद का वो है मतलब प्रशिक्षण केंद्र है, उन्होंने वहाँ पर अपना क्या कर रखा है, तो पंजाब ने अपने हॉकी खिलाड़ियों के लिए बलवीर सिंह के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रखी है। अब पंजाब की बात की है तो पंजाब की बात कर लेते हैं। और कपूरथला मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है, किसके नाम पर, सुखजीत मेगा फूड पार्क नाम है इसका, सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में है। एक महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में, स्पोर्ट्स की बात की है तो महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में। एक मनरकोटला अभी नया ज़िला बना है 23वां, इसको जो है संगरूर से अलग करके बनाया गया है, ठीक है याद रखना। एक बताया था आपको मयिलादुथुरई, ये तमिलनाडु का बना था, है ना, बताया था आपको एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था। पंजाब के स्टेट आइकन और एम्बेसडर सोनू सूद हैं। पंजाब में बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ियों के लिए, आशीर्वाद योजना, ये अपशगुन योजना को बदल कर उसका नाम रख दिया गया है आशीर्वाद योजना, और धनराशि भी 51,000 कर दी गई है, पहले 21,000 थी। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। ई दाखिल पोर्टल शिकायतों को दर्ज करने के लिए यहाँ लॉन्च किया गया था। बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। डिजी नेक्स्ट और वीआर इनसाइट, ये दोनों भी एप्लीकेशंस यहाँ शुरू किए गए थे। क्या, डिजी नेक्स्ट और वीआर इनसाइट। तो ये पंजाब के फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सब याद रखिए। और एक और आया था यहाँ पे, अब कोरो पंजाब करके आया था, लेकिन उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, खैर इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रशांत कुमार मिश्रा जस्टिस पी के मिश्रा को किस राज्य का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये जस्टिस हैं, कौन से जस्टिस हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा, पी के मिश्रा, इनको किस राज्य में, उस राज्य के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अभी जस्टिस प्रशांत मिश्रा को कार्यवाहक चीफ जस्टिस बना दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर है जिसका नाम अटल नगर भी है, और क्या नाम है, अटल नगर भी यानी है, अब उसका नाम क्या हो गया, अटल नगर हो गया है नए रायपुर का। अनुसुईया उइके गवर्नर हैं, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ का एक गुरु घासीदास जो है नेशनल पार्क बहुत फेमस है। वैसे यहाँ पर एक समर सूट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, एक बार ज़रा मैं भी रिवाइज़ कर लूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बताऊँगी। कम से कम यहाँ हैं 7-8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो गुरु घासीदास का नाम याद रखिए, हमेशा बताती हूँ आपको, और एक समर सूट का याद रखिए। अच्छा, दाई दीदी क्लिनिक शुरू हुए थे अभी छत्तीसगढ़ में, दाई दीदी क्लिनिक, एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ वेदी पुरस्कार शुरू किए गए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिए। स्पंदन पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए एक अभियान चलाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने, स्पंदन अभियान। यहाँ पर सी हाट या सी जी घाट, और जो है कौन सा एक और ऐप आया था, एक ये सी हाट और सी जी घाट आया था, और एक आया था पढ़ई त्वार द्वार योजना आई थी, और ऐप आया था, है ना। और यहाँ पर दाई दीदी क्लिनिक शुरू होते, दाई दीदी क्लिनिक्स, यहाँ पर एक बमलेश्वरी देवी टेम्पल है जिसको जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको रिन्यूएट करवा रही है, और इसको डेवलप करवा रही है। एक है शमलेश्वरी देवी टेम्पल, वो उड़ीसा में है, और उड़ीसा राज्य सरकार भी उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी
राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, ये सब चल रही हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी चल रही है महतारी दुलार योजना, और महतारी दुलार के अलावा एक चल रही है यहाँ कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है, ये चल रही है। और कौशल्या मातृत्व हो गया, महतारी दुलार हो गया, और यहाँ कोरबा से भिलाई तक सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। और ई लोक अदालतों का भी आयोजन यहीं पे किया गया था, तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने पे लीटर फैसिलिटी लॉन्च की है, हाल ही में किसने पे लीटर सुविधा को शुरू किया है, तो फ्री चार्ज ने। जी हाँ, इसमें यह है कि आप पूरे मंथ अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चों को इकट्ठा करते रहें और फिर मंथ के लास्ट में यानी महीने के अंत में आप उसे फ्री चार्ज से पे कर दें। यह है पे लीटर फैसिलिटी, और ये फ्री चार्ज ने लॉन्च की है। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सिद्धार्थ मेहता इसके CEO हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में भी डेविड वार्निया को किस देश की सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है, डेविड वार्निया को अभी किस देश की सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख यानी चीफ बनाया गया है, तो इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, इजराइल सुरक्षा एजेंसी, क्या नाम है, मूसात नाम है। और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की, मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक सुरक्षा एजेंसी है इसराइल की, और इसका नाम है मूसात, है ना, ऐसा मतलब माना जाता है, यहाँ की सुरक्षा एजेंसी को कहा जाता है, पढ़ने को मिला है ऐसा। तो इसी के हेड बने हैं, चीफ बने हैं डेविड वार्निया। तेल अबीब यहाँ का एक शहर है, इसके बारे में कल भी बताया था। गुरु तेग रविंद्रनाथ टैगोर, इसके इनके नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया था तेल अबीब में। इसराइल की संसद को कहते हैं नेसेट, KNESSET। करेंसी इसराइली न्यू सैगल है, और कैपिटल है यरूशलम या जेरूशलम, और बिनजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, है ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ एक ही है, ठीक है, ओके, एक है। तो ये बात हो गई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी महावाणिज्य दूतावास केंद्र सरकार ने महावाणिज्य दूतावास किस देश में खोलने की घोषणा की है, तो अभी घोषणा की है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में क्या घोषणा हुई है कि एक महावाणिज्य दूतावास बनाया जाएगा मालदीव में, मालदीव के अड्डू शहर में इसको बनाया जा रहा है PM मोदी जी की अध्यक्षता में। केंद्र सरकार का ये डिसीजन, ये घोषणा हुई है। मालदीव और अपने देश भारत के बीच में जो डिवाइडिंग चैनल है, यानी जो डिवाइडिंग है वो क्या है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और इब्राहिम मोहम्मद सवाले यहाँ के हेड हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं मालदीव के। मालदीवीन रुपया करेंसी है, माले कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालक्ष्मी भंडार परियोजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है, महालक्ष्मी भंडार परियोजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये शुरू की है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने, जी हाँ, शुरू कर दी है महालक्ष्मी भंडार योजना। और इनका क्या है कि ये है कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जो बहुत गरीब परिवार हैं, तो गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, यही है महालक्ष्मी भंडार परियोजना। अब पश्चिम बंगाल की बात करूं तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी है तीसरी बार, जगदीप धनखड़ कौन है,
ये गवर्नर है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है और कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। सिंगलीला, सुंदरवन और बुक्सा ये तीन नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस हैं। जलतपारा और महानंदा ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत फेमस है। संधाने, एग्जिट और सेल्फ स्कैन ये तीन एप्लीकेशन यहाँ लॉन्च हुए। प्रचेष्टा, मातृष्टि और स्नेहर पुरुष ये तीन योजनाएं यहाँ चल रही हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बेगर्स की तादाद यानी भिखारियों की संख्या है वो भी है वेस्ट बंगाल में, यानी सबसे ज़्यादा फ़कीरों की संख्या तादाद जो है कहाँ है वो वेस्ट बंगाल में, भिखारियों की, भिखारी कहेंगे हम तो हिंदी में ना, तो गलत बोला मैंने, फ़कीर सॉरी भिखारी होता है ना, भिखारियों की, कभी कभी मैं कह देती हूँ तो मैंने आम जुबान में वही बोल दिया तो सॉरी, ये भिखारियों की संख्या, ठीक है, भीख मांगने वालों की, फ़कीर दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी नेशनल फुटबॉल टीम कोच, किस देश ने अपना नेशनल फुटबॉल टीम कोच क्या नाम है इनका, हैंसी फ्लिक को अपॉइंट किया है। तो ये हैंसी फ्लिक हैं, क्या नाम है इनका, हैंसी फ्लिक। तो हैंसी फ्लिक ये इनको कोच बनाया गया है, फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। तो जर्मनी की जो अपनी नेशनल फुटबॉल टीम है उसी के ये कोच बने हैं। तो किस देश ने, जर्मनी ने अपनी नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बनाया है हैंसी फ्लिक्स को, किसको, हैंसी फ्लिक, ठीक है, हैंसी फ्लिक। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, क्या है कैपिटल, बर्लिन। और बर्लिन के अलावा करेंसी क्या है, यूरो। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर ये कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और एंजेला मार्केल कौन है, चांसलर है जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है जी, हाल ही में, हाँ सुनिए ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन लूँ, ये क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के आईएनसीबी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए हेड बने हैं, नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के, कौन, बलजीत पवाड़िया ये नए अध्यक्ष बने हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के। अच्छा, छत्तीसगढ़ की मैंने आपको इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा है तो एक तो बता ही दिए समरसूट, और एक और याद आ रही है मुझे, वो लिख लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, उद्यंती है ना। तो और बाकी 7-8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको मेरे जहन में तो हैं लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करके बताऊंगी, दो तो मैंने आपको अभी बताई दी हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर महानदी थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, महानदी थर्मल पावर प्लांट। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन लिया था ना, उसी के कुछ और एडिशनल फैक्ट्स बता रही हूँ। KSK महानदी थर्मल पावर प्लांट ये आप याद रखिएगा, ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और आपको बताया था मैंने अभी फ्री चार्ज के बारे में, तो फ्री चार्ज को एक्वायर अगर पूछा जाए किसने किया, तो एक्सिस बैंक ने, ये भी याद रखेंगे, किसने, एक्सिस बैंक ने, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाल ही में अभी देश की किस प्रथम महिला ने टेस्ट इंजीनियर, ये क्वेश्चन ऐसे सुनिए आप, हाल ही में किस देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर अभी आश्रिता बनी है, हाल ही में अभी किस देश की प्रथम महिला
टेस्ट इंजीनियर आश्रिता बनी है। इनका नाम आश्रिता है और ये एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं और ये अपने देश भारत की हैं आश्रिता, और पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बनी है, प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर। इन्होंने ये जो एयरफोर्स पायलट स्कूल है, एयरफोर्स का टेस्ट पायलट स्कूल है, इसी से ये उड़ान योजना का प्रशिक्षण में ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री गेन की है, प्राप्त की है। और ये अभी यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में तो बीटेक और बीई जो होता है ये क्या होता है, ये सब ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, जो बैचलर डिग्रीज है वही ग्रेजुएशन डिग्री होती है। तो उसी में स्नातक किया है और पहली महिला टेस्ट इंजीनियर बन गई हैं भारत की। कौन? तो ये टेस्ट इंजीनियर बनी है आश्रिता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये एक IPS इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर थे और अभी सुबोध कुमार जायसवाल बन गए हैं नए डायरेक्टर जनरल, किसके? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के। CBI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और नाम तो आपको बता दिया, निर्देशक तो यही बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में अभी मोबाइल ATM की स्थापना किस बैंक ने की है? मोबाइल ATM किस बैंक ने शुरू किए हैं? तो HDFC बैंक ने। और कहाँ ये पूछा जाए, कहाँ? पूरे देश में नहीं, तो बेंगलुरु में अभी लॉन्च किए हैं HDFC बैंक ने मोबाइल ATM। क्या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि HDFC बैंक ने मोबाइल ATM कहाँ लॉन्च किए हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ लॉन्च किए हैं? तो बेंगलुरु में, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। और ये कोरोना वायरस के कारण लोगों को दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए मोबाइल ATM लॉन्च किए हैं। HDFC बैंक की स्थापना 1994 मुंबई में, हेडक्वार्टर और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन MD एंड CEO हैं, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपसे शेयर किया गया है। और जहाँ भी आप हैं बिल्कुल वीडियो को मिस मत करें और दूसरों तक भी ये मेरी मेहनत पहुंचाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें। एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।